हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? तो फिर से स्वागत है आप सबके यूट्यूब चैनल मनु ब्लॉग में, मनु वर्ल्ड में। तो गाइस, यहाँ चलिए मेरी दीपावली की तैयारी, और कुछ इस तरीके का डेकोरेशन मेरे घर का किया है। तो ये लाइटिंग लगाई है, आप देख सकते हो, हम सब ने मिलकर किया है, मैंने, मेरे बेटे ने। और कैसा लगा आप लोग बताइएगा। तो आप सबको भी हैप्पी दिवाली, और ये तो दिवाली के बाद वीडियो जाएगा, खैर फिर भी आप सबको हैप्पी दिवाली। आप सबकी दिवाली अच्छी जाए और अच्छी हो। तो ये कुछ इस तरीके का डेकोरेशन है, ये मेरे कार्टन है जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे। और जितना भी हो, मुझे घर से जाने का शुरू से बहुत शौक है। दीपावली मेरा फेवरेट त्यौहार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये टीवी के पास कुछ इस तरीके से लाइटिंग हमने करी थी, और रूम में इतना ज़्यादा कुछ नहीं किया था, सिर्फ पर्दे लगा दिए थे और जो था ठीक है, कि सभी लोग आने जाने वाले हॉल में बढ़ते हैं। ये मेरा बेडरूम, और पूरे इसके साथ मेरे घर का होम टूर भी हो गया ये, और इस तरीके से कुछ डेकोरेट किया था। ये वीडियो मेरे बेटे ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैं तो काम में ही इतनी बिजी थी। किचन में भी थोड़ी ये लाइट लगा दी थी हमने, तो किचन का भी लुक थोड़ा सा अच्छा आ रहा था। आप लोग को कैसा लगा तो आप लोग बताइएगा। और ये सब मेरे बेटे ने किया, कब किया मुझे पता ही नहीं। जब मैं इस वीडियो में वॉइस दे रही हूँ, तब मुझे पता चला कि हाँ, ये नहीं मेरी माता रानी, पूजा हो गई है शाम की, आप सब लोग भी आशीर्वाद ले लो। तब मुझे पता चला, वरना तो मुझे मालूम ही नहीं था कि मतलब उसने वीडियो वगैरह भी बनाया, क्योंकि मैं इतने काम में व्यस्त थी। और हो जाता ना यार, अकेले इंसानों घर के काम करें, खाना बनाएं, बाहर के करें, कि वीडियो बनाना नहीं हो पाता, इसलिए मेरे वीडियो भी नहीं रेगुलर आ पाते। और यहाँ हमसे जा रहे थे लक्ष्मी पूजन की चौकी। तो देखिए, यहाँ मैं तैयार होने गई थी, मैंने रंगोली बनाते बनाते मुझे इतना लेट हो गया था, रंगोली भी बनाई थी मैंने, बहुत थक भी गई थी मैं यहाँ तैयार होने गई थी। तो ये लोग यहाँ पर बाप बेटे सब मिलके तैयारी थोड़ी बहुत इन्होंने की थी, फिर मैं तैयार होके आ गई थी जल्दी से, साड़ी वाड़ी पहन के तैयार तो किया हुई थी, सिर्फ साड़ी वाड़ी पहन के मैंने। तो यहाँ मैंने सब लक्ष्मी गणेश जी तैयार किए थे, बैठाए थे जितना भी था, बाकी थोड़ा बहुत लोगों ने भी कर दिया था मेरी हेल्प, फिर बाकी मैंने किया था। तो यहाँ फिर हमने अपनी पूजा करी थी अच्छे से, और बाकी आप सब लोग की दीपावली कैसी गई कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ दिए लगा रहा था मेरा छोटा वाला बेटा, और यहाँ मैं कलश वलश बैठा रही थी, कर रही थी तिलक वगैरह कर रही थी। तो आप लोगों में कैसे होता है, आप लोग भी बताइए कि आप लोगों में कैसे करते हैं। हमारे यहाँ कैसे करते हैं सिंपल पूजा, फिर हमारे यहाँ पूजा हो गई, हमने दिए भी लगा दिए। और बताइए कैसे लग रही है हमारे लक्ष्मी गणेश जी, आप लोग भी बताइए। सदा इनका आशीर्वाद आप सब लोगों के ऊपर बना रहे, आप सबकी मनोकामना पूरी हो, और आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ मिलें आप सबको, सबके दुख दूर हों, और सबको हमेशा सुख संपत्ति मिले सबके हमें। और ये कुछ टीवी के पास मैंने इस तरीके का डेकोरेट किया था, ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी, और इनमें मैंने कैंडल लगा दी थी वो जो मिलती हैं कुछ फूल। तो ये कैसे लग रहा है आप सब बताओगा, बताना मेरे घर कैसा लग रहा है, पूजा कैसी रही, सब लोग कमेंट में बताना। फिर यहाँ पूजा वूजा करके पटाखे छुड़ाने के लिए तो यहाँ देखिए पटाखे छुड़ा रहे हैं। तो आप सभी को भी हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं, सबके जीवन में सुख शांति लाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट करना, शेयर करना, और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे विशेष देना, और सब सुखी रहना। ओके, जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए मेरे दो छोटू मोटू से दोनों पटाखे जला रहे हैं। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जली ना, तेरी भी जली ना।
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।